हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स दिख रही होगी और इसका जो डिटरमिनेंट है वो स्टूडेंट देख के टेंशन में आ जाता है कि यार सर ऐसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप 5 सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपका इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसका डिटरमिनेंट आएगा आपके पास 2 × −1, सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज −2। अगर हम इसकी बात करेंगे इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास 0 आएगा। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास −2 × यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1, सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज −2। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कि इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपके पास 9 आएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर यार आपने इतना फटाफट कैसे इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, तो मैं अभी आपके सामने एक एक करके कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड्स के अंदर उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स या ब्लॉक मैट्रिक्स। और व्हाट इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ सच टाइप ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज जस्ट सिंपल एंड इजी कंसेप्ट, ओके। सो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक ट्रिक कि कैसे हम यहां पे इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन था और इसका मैंने आपको डिटरमिनेंट लिख के बताया था, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक मैट्रिक्स होती है। किसी भी बड़ी मैट्रिक्स को आप छोटी छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड करके उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जो ऐसा बिहेव करती है, देखो आप ये ए मैट्रिक्स बन रही है, बी मैट्रिक्स बन रही है, सी मैट्रिक्स, बाकी सब जगह यहां पे क्या बन रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है ना, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ सी, राइट। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। इसमें हमारे पास ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट देखोगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 2 आएगा। इसमें जो बी मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा। इसमें जो सी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट आएगा 2 − 1, आप देखोगे स्टूडेंट 2 − 3 सॉरी, है ना। सो आप करोगे कैलकुलेशन तो 2 × 1 × −1 आ जाएगा, तो आप देखोगे इसका जो आंसर आएगा वो −2, सो द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज −2। और इस तरह से यहां पे इसको हम निकाल सकते हैं, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया था आपके सामने और आपको बता दूं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप स्टूडेंट इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स और ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को हम लिखें तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, ए बी सी एंड जीरो। दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज ए अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स, राइट। क्या होता है स्टूडेंट, ये अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स होता है, राइट। तो इसका जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी, मतलब ये ही आएगा इसका डिटरमिनेंट, इसका प्रोडक्ट, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ही इसका आंसर आएगा। तो सुनिए जो ए डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट आप देखोगे तो सुनिए आएगा 4 − 6, और इस टाइप से सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखोगे तो सुनिए आएगा 2 − 1। तो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू −2 × 1 आएगा, सो द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज −2। इस तरह से यहाँ पे इसको ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया था और वो एग्जांपल ये था और आपसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछे तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर आप जो ब्लॉक बना रहे हो किस तरीके से बना रहे हो, तो इसमें देखना है आपको कि जीरो मैट्रिक्स कहाँ बन रही है उसको कवर करते हुए आपको ब्लॉक बनाना है, ताकि जीरो मैट्रिक्स अलग हो जाए एंड देन रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके पास अलग हो जाए, सो देट कि आप उसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाओ। तो स्टूडेंट इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं हम लो ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। और लो ट्रायंगुलर क्योंकि यहाँ पे ऊपर जीरो और बाकी तीनों यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रही है, तो स्टूडेंट इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो भी बिल्कुल डिक्टो जो इससे पहले बताया उसी टाइप का होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो भैया हमारे पास बता दूं यहाँ पे कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना एंड इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो हमारे पास कितना होगा, स्टूडेंट 1 × यहाँ पे आप देखोगे तो 2 एंड आई थिंक ये −1 आ रहा, 1 × −1 आ रहा, राइट। तो ये तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा, मतलब माइनस। एंड जो सी मैट्रिक्स है इसमें एक लाइन पूरी की पूरी जीरो हो रही है, तो हम जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। इस टोटल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और इस तरह से यहां से इसको हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट एक और मैट्रिक्स की। आपके मन में सवाल उठेगा सर बाई चांस 0 0 नहीं बन रहा है, कहीं भी आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रही है, तो उसको ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हर जगह ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा, राइट। सो सुन यहां पे हमारे पास ए बी सी डी हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर हमें यहां पे क्या करना, हम जानते हैं इसका जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस एम मैट्रिक्स इज डिटरमिनेंट ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो हम क्या करेंगे, इस ए और डी
मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आप ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगी टर्म। स्टूडेंट जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वेरी इजी यू नो है ना। एंड बात करेंगे हम यहाँ पे बी सी, तो स्टूडेंट बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे राइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, स्टूडेंट दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 9601 आएगा और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 9। तो स्टूडेंट इस तरह से इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर CD इज इक्वल टू DC होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो मुझे लगता है कि आपको यहां पे समझ में आया होगा। सो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुन ये गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए और कितना टाइम लगा आपको इसको सॉल्व करने में वो टाइम जरूर बताइएगा कि सर 30 सेकेंड में हमने इसका आंसर निकाला और इसका आंसर ये होगा, इस फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। अगर आप IIT JEE, IIT JAM, CSIR NET और GATE इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखी है और यहाँ पे ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स है। एंड कोई भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, कैसे उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं ये बता रखा है। स्टूडेंट 3x3 एंड 2x3 मैट्रिक्स का इनवर्स और एडजॉइंट कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो स्टूडेंट और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो देट कि आने वाले जितने भी क्लासेस है या वीडियो इस टाइप के हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इन सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये शॉर्ट ट्रिक और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।